राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन आपको अवगत कराना चाहता है कि मुजफ्फरनगर के अंदर नगरपालिका की करोड़ों रुपए की भूमि पर नगरपालिका के अधिकारियों की मिलीभगत से टाउन हॉल व सोल्जर बोर्ड के बाहर फलों की दुकानों को और भूमाफियाओं द्वारा करोड़ों रुपए की भूमि पर स्थायी अवैध कब्जे कर रखे हैं। पूर्व में भी राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा शासन व प्रशासन को अवगत कराया गया था कि टाउन हॉल के बाहर फल विक्रेताओं की आड़ में स्थायी अवैध कब्जे कर चोरी की बिजली इस्तेमाल की जा रही थी, जिस पर विद्युत विभाग द्वारा बिजली चोरी पकड़ी गई है और स्थानीय प्रशासन ने आंशिक रूप से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई को ठोस कार्रवाई न होने के कारण एक सप्ताह बाद ही इन भूमाफियाओं ने पुनः अमेकांचा कर लिया है। इस प्रकार सोल्जर बोर्ड के बाहर भी फल विक्रेता की आड़ में इन भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है। संगठन के सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि ये फल विक्रेता एक समुदाय से व एक भूमाफिया गैंग का हिस्सा है, जो एक साजिश के तहत करोड़ों की सरकारी भूमि को कब्जाने का कार्य कर रहे हैं। संजय अरोरा। संजय बताइए, जो आज डीएम कर ले पाए हम ज्ञापन देने, क्या मामला है? ये राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा ज्ञापन दिया गया है। शहर के मुख्य चौराहों पर फल विक्रेताओं द्वारा अवैध कब्जा किया गया स्थायी रूप से, और ये भूमाफिया एक गैंग है जिसकी जानकारी राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन को मिली तो उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। तो पिछली बार टाउन हॉल के बाहर जो फल विक्रेता जो स्थायी रूप से 20 सालों से जमे हुए थे, उनके यहाँ बिजली चोरी भी पकड़ी गई, फिर उनके कब्जे हटाने की कार्रवाई की गई, परंतु वो कब्जा आंशिक रूप से हटाया गया। आज एक सप्ताह के बाद सिटी मजिस्ट्रेट साहब का यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद दोबारा से उन्होंने पूर्ण रूप से स्थायी कब्जा कर लिया है। अब हम लोगों की मांग ये है कि जो कब्जे थे उन्हें हटाया जाए, चाहे वो सोल्जर बोर्ड के बाहर इन भूमाफियाओं के कब्जे, चाहे वो टाउन हॉल के बाहर फुटपाथ चलने के लिए है। ये किस नियम से, किस कानून से इसको ठेका छोड़ा गया, पहली बात तो यही एक जो है पर्सन है सबसे बड़ा अधिकारियों के सामने कि ये ठेका किस नियम से छोड़ा गया। हाई कोर्ट की रूलिंग है, हाई कोर्ट का आदेश है, शासन का आदेश है कि किसी भी कीमत पर फुटपाथ पर कोई कब्जा नहीं होना चाहिए, किसी तरह के ठेके नहीं छोड़े जाने चाहिए। सीएम साहब ने कहा कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, परंतु हम लोगों का सीधा सीधा कहना है कि अब ये रूलिंग हम शासन को देंगे, जो हमने निकलवा लिया सारी के सारी जो आदेश है वो निकलवा लिए। अगर शासन प्रशासन इसे एक सप्ताह में नहीं हटाता तो हम एक सप्ताह के बाद इन कब्जों को स्वयं हटाने की घोषणा करेंगे, मीडिया के सामने घोषणा करेंगे और इन कब्जों को स्वयं हटवाएंगे। उसके लिए जो भी जिम्मेदारी होगी वो प्रशासन की होगी, शासन की होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, चाहे कुछ ही हो।